पंजाबियों का ब्लड ही मतलब रहता है हेल्पफुल और एक मस्त माहौल रहता है। अभी मैं आप लोगों के साथ कितना मस्त लग रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही। कहीं भी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, जब मैं पंजाब के लोगों से मिलता हूँ ना, मेरे को अपनापन लगता है। नहीं तो मैं भाई को देख रहा था लाइव वीडियोस में, अकेले बैठे बियर पी रहे होते। अब हम नहीं पीने देंगे अकेले जब तक हमारे साथ है। हम ना छोड़ेंगे। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। और रात के 11:30 बज रहे और मैं साहिल के साथ हूँ, और साहिल के उनके फ्रेंड है जो यहाँ पे वो भी स्टडी कर रहे हैं। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी साहिल, साहिल को ना मैं लेट हो गया मिलने के लिए, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गया था जो आपने वीडियो देख चुके हो, क्यों था ना, और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह में फंस गया था। अरकाड़िया थोड़ा लंबा भी है, फंस गया था। तो और बताइए इंटरेस्टिंग स्टोरी यूक्रेन के बारे में, और आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को मालूम तो पड़े। मेरा नाम हरमन है, मैं पंजाब के फरीदकोट से हूँ, और मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। नहीं चलेगी, हिंदी तो मेरी भी खराब है, मेरी इंग्लिश भी खराब है और हिंदी भी खराब है। और यहाँ मैं फिफ्थ कोर्स में पढ़ रहा हूँ। अगर एक बात ये भी है, जिसकी हिंदी और इंग्लिश सब कुछ अच्छी होती है ना, वो टीचर होता है। उल्टा अच्छा है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिसकी इंग्लिश और इंग्लिश जिसकी अच्छी होती है, वो कॉल सेंटर में बैठ के काम करता रहता है, गाली सुनते रहता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, भोसड़े के कब देगा वापस, तो ये सब चलती रहती है। मेरा उल्टा है, मेरे को पता लोग क्या बोलते हैं, या पंजाबी बोल लिया कर या तो इंग्लिश बोल लिया कर, भाई हिंदी की माँ बहन। ये तो मेरे साथ भी होती है, मेरे भी मुंबई की लैंग्वेज रहती है ना, क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, आ रहा है। मैं घर पे भी मेरे पापा मेरे कभी कभी बोलते क्यों था, अरे तू मिक्स क्या कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें ते लैंग्वेज, आ रहा है जा रहा है, ये क्या है तेरा। तो चलता है कभी माहौल के हिसाब से, तो मिक्स हो जाते हो आप यहाँ पे, वो हिंदी सही बात, क्योंकि कम बात करते रहेंगे यहाँ पे भी। सही सही, अभी आपकी रक्षा इतनी अच्छी है देखता हूँ मैं। तो और साहिल कुछ बोलो क्या, आप तो आज अब नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं और जैसा कि घुमाते हैं इनको। हाँ, आज मेरा लास्ट दिन है ओडिशा का, और फिर देखते हैं। लोग कंफ्यूज मत होना, ओडिशा आइए, नहीं तो बहुत लोग बोले भाई ओडिशा में क्या कर रहे हो, ऐसा ही बोला नहीं ओडिशा है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके मेरे इंस्टाग्राम पे भाई ओडिशा आया बताया नहीं, ओडिशा आया बताया नहीं। तो ओडिशा अलग है, ओडिशा यूक्रेन के अंदर है, तो मैं वहाँ पे हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ का ध्यान देना। पता क्या स्टोरी है, कौन सी आर्ट की, ये जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है ना। ओके, एक बार यहाँ पे एग्जीबिशन लगा था, तो उस एग्जीबिशन के लिए ये टेम्पररी बने बनाए ला के यहाँ पे रख दिए थे। तो वो यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा था, वो 2-3 दिन चला, उसके बाद क्या हुआ कि एग्जीबिशन वाले तो चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने सोचा कि यार ये तो अच्छा लग रहा है, तो इसको रेंट पे दे दिया, और छोटी छोटी दुकानें खुल गई। अभी मैक्सिमम यहाँ पे बाहर से, हाँ वो तो मैं देख सकता, हमारे कभी हुआ है, कितने साल हो गए इनको, ये इसको तकरीबन 7 साल हो गए। क्या बोले उन्होंने, तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हो गर्ल्स के लिए। भाई ऐसा मत करना, क्योंकि फिर बाद में पैसा नहीं बचेंगे, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी सब जगह से। तो एंजॉय कीजिए, ट्रैवल कीजिए, नया जगह नया एक्सप्लोर कीजिए, ऐसे कार्ड मिले तो फेंक दीजिए, मर में रख लेता हूँ। ये गरीबों का आशियाना है, ये खेलने के लिए पत्ते वगैरह खेलने के लिए, कहीं पे चेस खेल रहे होंगे यहाँ पे मोस्टली शहर, मतलब मेरे लिए, गरीबों के लिए, मतलब मेरे लिए, मतलब हमारे लिए। मोस्टली शहर का सारा यूथ मोस्टली यही आता है इसी स्ट्रीट पे, ये ओपन बार की तरह है, ओपन पब है, हम जो पब जाते हैं इंडोर होते हैं कई बार, ये ओपन है हमारा। शहर का सारा यूथ यहाँ पे आता है वीकेंड पे एंजॉय करने, ये चीप है, अच्छा है, ओपन है, बेस्ट प्लेस टू मीट लोकल पीपल ये शहर का इस सेंटर में। और आज संडे है तो, और समर का टाइम है, तो फिर क्राउड भी आपको ज़्यादा मिलेगा मोस्टली कंपैरेटिवली रेगुलर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमको डोमिनोस और मैकडोनल्ड्स ये रोड पे मिल जाएगा अगर नज़दीक में रुके हो तो ये अच्छा है। और सिटी ऑफ द सेंटर सिटी गार्डन, इसके आजू बाजू हॉस्टल हो या होटल जो भी है बुक करना, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मेन मॉल्स हैं, मेन ब्रांड्स के शोरूम्स हैं सारे। शॉपिंग तो करना नहीं है यहाँ पे, लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं पूछा 2-3 लड़कियों को, आप आ जाइए फ्रेम में, कि आपको मतलब क्या पसंद है, तो बोलती है मुझे खाना पसंद है। बोला हाँ, शॉपिंग करना मतलब, मैं बोला कल क्या करेंगे, कल घूमने चलते, बोलते हाँ, मैं बोला क्या करेंगे, बोलते
मैंने पूछा कि मतलब अपन ये करते हैं वाटर, बोलते नहीं मुझे ये नहीं पसंद है। तो मतलब पसंद क्या है? फिर बोलते मुझे ना मतलब ना खाना और मुझे शॉपिंग करना पसंद, मतलब मैं जो शॉपिंग करना फिर हमें तुम पसंद है। मेरे लिए खर्चा करवाना पसंद है। क्या पसंद है? शॉपिंग, फिर मुझे तुम पसंद है। ये अच्छा था, ये बात था कि तुमको शॉपिंग पसंद है फिर मुझे तुम पसंद नहीं हो। मतलब शॉपिंग तो मैंने बोला तो सबको पसंद है यार, इसमें नया कौन सा है? शॉपिंग तो सबको अच्छा लगे है ना, सबको अच्छा लगे। हमारे मुंबई में कैसे शनिश्चर बाजार वगैरह रहता है पता नहीं, यहाँ पे कौन सा बाजार है, मैं तो कुछ उठा लेंगे वहाँ से लगा देंगे प्राड़ा एड़ागार। यहाँ पे एक है 7 किलोमीटर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाजार है जिसको 7 किलोमीटर बोलते हैं। सबसे बड़ा पूछ रही थी लड़की लोग, तुमने इंडिया से कुछ लाया मेरे लिए? कुछ है? मैं बोला जो चाय पत्ती लेके आना चाहिए था वो गिरते रखते थे। मैं बोला यहाँ पे ढूंढ के लगाना पड़ेगा इंडिया का लोगों को। तो यूरोप की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है वो, क्या नाम है उसका? 7 किलोमीटर प्रोमरेनक। प्रोमरेनक जो भी पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ जो ना का ले लो, कुछ भी दाल ले लो, चावल ले लो, मसाले ले लो, जो भी जो मर्जी ले लो। चलो अच्छी बात है, जो भी लॉन्ग टाइम के लिए आने वाला है ना तो वो जा सकता है वहाँ पे, और जिसको गिफ्ट देनी है ना हाँ वो वहाँ से ला सकता है। अपने शर्ट के जो बटन यहाँ पे लगा रहेगा वो निकाल के वहाँ लगा के इंडिया। कॉकटेल है जो मेरे को दुबे बता रहे थे साहिल जी, तो अभी वही ट्राई करेंगे क्योंकि मैं बोला ट्राई करना है क्योंकि सुबह सुबह था, दोपहर का टाइम था तो मैं नहीं पिया। सेक्स ऑन द बीच दोपहर को, अरे मैंने आज तक ऐसा वीडियो देखा नहीं, मेरे दोस्त ने एक वीडियो दिखाया सेक्स इन बॉलीवुड, वो तो अलग ही था। ये स्ट्रांग रहती है कि नहीं, कुछ लगते है कि नहीं? 7% मतलब बियर जैसी है। भाई फ्लेवर सेक्स ऑन द बीच नहीं है, बाकी है। बोरा बोरा। कुछ और ले लेते फिर। बेसिल बोरा बोरा टकीला। टकीला लेते? इसका जो उपजोत। व्हाट? उपजोत। कहाँ? बोरा गिर जाएगी बोतल यहाँ से, ये स्लाइड ही है ना? तो बोलो क्या क्या पियो? खाली हम लोग ना गिर, मैं ना गिरूँ पी के, ये बोतल गिर गई चलेगी। ले लीजिए जो भी सब ट्राई कर लेंगे, वो भी दो चार उठा लीजिए। सारे फ्लेवर चक लें दे। वो वाला सिस्टम बताना मेरे को जरा, वो यूज करते हैं डायरेक्टली चिप करते हैं? एप्पल पे। हमारे यहाँ गूगल पे होता है, यहाँ पे एप्पल पे है। एप्पल पे गूगल पे भी है ना? यहाँ पे भी है, गूगल पे भी है, सैमसंग पे भी है, एप्पल। तो मेरा गूगल पे इंडिया का यहाँ चलेगा? इंडिया का फोन के अंदर, मतलब फोन टैप करते हैं लोग मोस्टली। हम मैंने कभी, चलो मैं हमेशा कैसा, मतलब अपना सिम कार्ड, मतलब अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टैप करने वाला मैंने देखा था, मगर ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। हाय, तो ये वाला अलग सिस्टम था। मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपने टैप वाले देखे हैं, फोन टैप करते हैं, फोन से ही पैसे कट हो जाए, मतलब अपने अकाउंट से। तो वॉच अच्छा भी टैप कर सकते हैं, तो वो तो फिर आपको मैं एप्पल का वॉच भी चाहिए रहेगा ना उस हिसाब से। ये सब लेते लेते अकाउंट में पैसे भी नहीं बचेगा ना। फिर टैप करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, फिर उसको बेचना। सबसे अच्छा मेथड है कैश, हाथ में पैसे रहते सही रहता है। और इम्पोर्टेंट यही है, बहुत लोग है ना, मैंने बहुत जन को देखा, मतलब आईफोन से लेके घड़ी से, मतलब ये वो, ये सब इम्पोर्टेंट, पैसे मत खर्चा कीजिए, एक्सप्लोर में पैसे डालिए। पैसे बहुत ज्यादा है तो कीजिए, आपके पैसे है। अगर पैसे ज्यादा नहीं है, शो ऑफ के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया मतलब मैं ये सब चीज को ध्यान नहीं देती जब बाहर निकलते ना। महंगी बॉटल्स की जगह 2 दिन और लगा के जाइए इस कंट्री में, ज्यादा मजा आएगा। दुनिया देखो सोच खुलेगी। हाँ ये बात सही बोले। अभी हम ओपेरा में है, सामने देखो ओपेरा थिएटर है। तो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स होती है ना, ये उनमें से एक है। यहाँ पे ओपेरा एंड बैले डांस होता है, जो हम फिल्मों में नहीं देखते कि बैले डांस हो रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो वो वाला डांस यहाँ पे होता है। और हमें डिग्री भी यहाँ पे मिलती है जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो आपको डिग्री मतलब यहीं से मिलेगी? यहीं पे मिलेगी। कांग्रेचुलेशन, मतलब आप लोगों की फोटो यहीं से आने वाली है यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो ये यूनेस्को की एक साइट है ओपेरा थिएटर, ये यूक्रेन में एक है, 7 है ये टोटल यूरोप में। भाई की इन्फॉर्मेशन बहुत ना कड़क है, सब कुछ पता है यूनेस्को की, कहाँ की क्या क्या चीजें। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के, मतलब यहाँ से काफी देर 5 इयर्स हो गए। बाकी मैं पढ़ता रहता हूँ ना इधर।
अच्छी बात है तो बाकी चीज भी पढ़ते रहते और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे को बोले पंजाबियों की मतलब ना होता है ना पंजाबियों का ब्लड ही मतलब रहता है हेल्पफुल और एक मस्त माहौल रहता है। अभी मैं आप लोगों के साथ कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही। कहीं भी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ जब मैं पंजाब के लोगों से मिलता हूँ ना मेरे को अपनापन लगता है। नहीं तो मैं भाई को देख रहा था लाइव वीडियोस में अकेले बैठे बियर पी रहे होते अब हम नहीं पीने देंगे अकेले जब तक हमारे साथ है हम ना छोड़ेंगे। अभी हम लोग हैं यहाँ पे कहाँ पे, डेरी बासु के लास्ट एंड में मस्त जगह। अभी हम कहीं जा रहे हैं जहाँ पे हम बहुत मस्ती करते हैं। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, अभी तो पूरी नाइट अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो पूरी रात बाकी आपको आगे बहुत सारी वीडियोस देखने अभी मिलेगी। थोड़ा ट्रेलर दिखाया पिक्चर अभी बात चॉकलेट म्यूजियम। चॉकलेट म्यूजियम समझा नहीं मतलब क्या है इसका? अच्छा लवीव चॉकलेट लेके नहीं गया तू? नहीं ले गया। वो आपको एक जगह दिखाता हूं, एक जगह है लवीव चॉकलेट हाउस करके। तो लवीव चॉकलेट हाउस में क्या रहता है कि अभी शायद बंद हो गई हो तो उसमें जैसे सैंडल बना देते हैं चॉकलेट के, चॉकलेट का कोई हार बना देते हैं, ऐसे चॉकलेट से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं वो लोग। वहाँ पे शूज बने होंगे और वो चॉकलेट के होते हैं। इधर चॉकलेट म्यूजियम में आप जाओ, वो आप लेके जाना इंडिया, चॉकलेट की मूर्तियाँ आपको लेके जाना चाहिए वो इंडिया में, चॉकलेट बना के मतलब लड़कियों के लिए जाते जाते वो जैसे लड़की को बोलो चॉकलेट के सैंडल क्या लेके आए मेरे लिए, यूक्रेन के चॉकलेट के सैंडल लाया हूँ चॉकलेट के, मगर चिमी चू के नहीं चॉकलेट के। मैंने पता क्या बोलते हैं आपने, जूते खाओगी? बोलोगी क्या जूते खाऊंगी, क्या बोल रहे हो आप? तो आपने बोलना है नहीं नहीं ये वाले जूते चॉकलेट वाले। भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत भारी है। नहीं इतना भी भारी नहीं है, शायद मैं ज्यादा भारी हूँ। वो सेंस ऑफ ह्यूमर भारी नहीं है, वो हिंदी भारी है। हिंदी बहुत भारी है। तो जिनी का भारी पापा है। जिमी जिमी आजा जिमी आजा आजा तू दे दे मेरा साथ। सो ब्रदर французский брат. Ну, что ты знаешь в Одессе? Есть красивые девушки, да? Нет, он... Там очень красивый. Очень милая, блядь. Он ютубер, он вчера пришел здесь. Он хотят знать все и смотреть все, как на ночь люди дали. Да, хорошо. И есть девушка, конечно. Да, конечно, есть. Конечно. Конечно. У меня немного. Пока, брат. Очень приятно, брат. Пока, пока. Пока, пока. Вы арабы откуда? Аджера. Аджера, Марокко. Аджера. Марокко. Апне байки Россиян бот хард, а? हाँ काफी साल हो गए उनको, 5 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए। मेरे को लगा ही नहीं अपने भाई है, मेरे को हमारे बीच में कहीं है मैं छोड़ दिया कौन है हमारे साथ में नहीं है हमारे लेवल का नहीं है। नहीं नहीं मेरे को तो लग रहा है उनके साथ उनकी दारू पी के आएंगे तोड़ दे भाई, दो लेके आना है जो भी ला रहे हो। तेरी मूछें अच्छी लग रही है आपकी अब तो, लेकिन लड़के बोल रहे थे प्रॉब्लम तो यही है लड़कियां होती तो तब अभी टैक्सी कैंसिल हो जानी थी फिर अभी मैं उन्हें बोलना था एक मिनट जेल लगा लूं जेल लगा लड़के बोल रहे कि मतलब तुम्हारी मूंछें अच्छी हैं। और यहाँ पे लड़की यहाँ पे सुबह हम लोग दाढ़ी बनाने गए थे और हमको जगह मिल रहा नहीं है और अपॉइंटमेंट फिक्स है क्योंकि इनकी दाढ़ी आती नहीं है और हमारी जाती नहीं है, हम निकालने ट्राई कर रहे निकल रहे नहीं है। और ये माफ करना जो अरेबिक्स हैं वो तो दाढ़ी रखते हैं, अरेबिक बार्बर हैं दो वो अच्छी कर देते हैं दाढ़ी। अरे भाई हम गए थे सुबह सुबह वो किसके पास ले गया चॉप चॉप ले आंदा ना कर देते ले रेड़ा अभी ठीक है। नहीं नहीं वो गया 2:30 बजे बोलते है इनका अपॉइंटमेंट है 3:30 बजे इनका है 4 बजे इनका है अपॉइंटमेंट हमको कब मिलेगा? आपका अपॉइंटमेंट रख के आए तो आपने दाढ़ी बाहर से करा ली तो मैंने हेयर कट करा लिया तो मैं भी गया था उसके पास, मेरे को बोलता है आज तो बिल्कुल टाइम नहीं अपॉइंटमेंट लो कल आना, मैं कल तो पार्टी है। तो ये बहुत है ये चीजों को ध्यान देना जब दाढ़ी बनाने का रहेगा तो इंडिया में थोड़ा ट्रिमर लेके आना, ट्रिमर लेके आओ सही बात।
बादल का डाके आना वहाँ पे 40 रुपए में, मस्त वाला वो पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, अरे वो अच्छा होता है। मेरा एक दोस्त बोल, मेरा सैलून वाला, उसको कुछ बोलेगा ना ऐसा काटना है वैसा काटना, चुपचाप वैसा काटेगा। इनकी बहन थी यहाँ पे ना, होता ना भोजपुरी बोल रहे, इनका बहनिया चोद। हाँ, ये होता ना यहाँ पे ना, तुमको बोलेंगे ऐसा काटना वैसा काटना, बेचो आड़ा तेड़ा काटेंगे, बाद में तुमको छोड़ देंगे, छोड़ बाद में 300 ग्रीवा 500 ग्रीवा लेके। मैं पढ़ने के लिए चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे मेरे को एक दोस्त मिला है। पकड़ो फाइल कैमरा, मतलब नया नया मेरा दोस्त बना, तो मैंने उसको बोला यार मेरे को ना, अच्छा खाली 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 भाई मैंने बहुत सारी वीडियो में ना खाली ना लड़कियों को कैमरा दिया है, तो अभी सब लोग बोल रहे हैं भाई साहिल को भी दिया हो, लड़कों को भी नहीं, लड़कों को भी दिया, लड़कों को भी, सुंदर लड़कों को दिया है, हैंडसम हैंडसम बेबी। मैंने उसको बोला यार मेरे को ना दाढ़ी कटवानी है, वो कोई अच्छा सा बार्बर है, कहता बहुत अच्छा है, मेरे को पता है बहुत अच्छा। मैं कहा कौन है, मैंने अगले दिन पूछा, कहता अंडर द पीपल ट्री, एक ट्री के नीचे ले गया वो जो शीशा लगा के रखते हैं ट्री पे और बैठे होते हैं, कहना अंडर द ट्री। अरे ये तो चीज को मैं बोलूंगा कि हमारे हमारे फ्लाइंग बीस्ट ने भी जो वीडियो देखते होंगे, फ्लाइंग बीस्ट जो यूट्यूब में ना उन्होंने बाल कटाया था, गौरव तनेजा लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, सो टैलेंटेड मैन, सो टैलेंटेड, और आपकी फैमिली को बहुत सारे प्यार हमारे चैनल की तरफ से, स्पेशली रस भरी को। मैंने आपको देख के वेट लूज किया, आई वाज 105। अभी ग्रीस, ग्रीस की एम्बेसी के सामने ये काउंसलेट जनरल ऑफ ग्रीस लिखा भी हुआ है, आप शॉर्ट ले लो यहाँ से। पहले ये नीचे इनका दरवाजा था, लेकिन अभी नीचे इन्होंने, मेरे को लगता है ये जोलोताया लिखा है ना, जोलोताया, ये गोल्ड की दुकान खोल ली, किराए पे दे दी, और इन्होंने अपना दरवाजा उधर से कर लिया। तो ये ग्रीस काउंसलेट है, काउंसलेट जनरल ऑफ ग्रीस। मैं तो आपको थैंक्स बोलूंगा, सच में इनके पास ना इंफॉर्मेशन के भंडार है, थैंक्स के टाइम निकाल के आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाय, हाउ आर यू? ही इज अ यूट्यूबर, ही इज योर बिग फैन, यू वांट लव यू। आज मेरे दिल में एक अजीब सा है आक्रोश, ये कुछ बोल रहा है, दुनिया को इंसानियत के तराजू में तोड़ रहा है। है फिजाएं भी खामोश, अभी सुबह हुई है 4 बजे हैं, है फिजाएं भी खामोश, लेकिन फिर भी दिल कुछ बोल रहा है। दिल की सुनने का दिमाग को है नहीं होश, दिल की सुनने का दिमाग को है नहीं होश, शायद कहीं और है मदहोश।